अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कुवैत में रहते हो और कुवैत के अहमतरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्कूप का पूरा देखिए। चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा फ्री में दोस्तों मिलती रहे। तो साथियों, आज की वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप मेरे वीडियो को आज मिस कर दोगे तो कभी ना कभी इस चक्कर में आप जरूर फंसोगे, फिर आपका भारी नुकसान होगा। तो खबर क्या है पूरी डिटेल के साथ आपको बताऊंगा, और भी कुछ खबरें आ रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट खबर की ओर चलते हैं, जो कि कुवैत में बहुत ही बड़ा धोखाधड़ी की गई है। तो साथियों, लगभग 26 बांग्लादेशी वर्कर ऐसे थे जो कि एक जगह पे काम करते थे, और 2600 बांग्लादेशी जो है वो अपने मुल्क गए थे। उन्होंने कुवैत में कहीं पे टिकट लिया था, टिकट दोस्तों जाने का भी था और रिटर्न का भी था। तो साथियों, जाने का टिकट दोस्तों मतलब कंफर्म दे दिया गया था और आने का भी टिकट कंफर्म दे दिया गया था। जब वो वापस फ्लाइट से जब गए बांग्लादेश, वो पहुंच गए, जब उसकी छुट्टी कंप्लीट हो गई, तब वह आने के लिए जब दोस्तों वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो मालूम चलता है उसका रिटर्निंग टिकट जो है वो सभी का सभी फर्जी है। यानी 26 टिकट जाने का तो सही दिया गया था ओरिजिनल, पर आने के लिए जो टिकट 2-3 महीने के बाद जो रहता है छुट्टी, जाहिर सी बात है कम से कम जो भी वर्कर घर जाते हैं तो 3 महीने का कम से कम छुट्टी तो होता ही है। तो वापस जब आते हैं एयरपोर्ट बांग्लादेश ढाका एयरपोर्ट, जब वह पहुंचते हैं तो मालूम चलता है उसका टिकट बिल्कुल फर्जी है। तो साथियों, जिस जगह से उन्होंने टिकट को लिया था उस जगह पे लोगों को भेजा गया इंक्वायरी के लिए, तो मालूम चला कि वो दुकान जो था, वो शॉप जो था टिकट काटने वाला, वो वहाँ है ही नहीं। ना वो दुकान था, ना उसका कॉन्टैक्ट नंबर जो दिया गया था वो था, ना कोई भी चीज़ मालूम चल पाई है। तो साथियों, आप समझ सकते हैं कुवैत में कितना बड़ा ये फ्रॉड का काम किया गया है। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि टिकट जब भी आप लीजिए, चाहे वो आने का टिकट लेते हो जाने का टिकट लेते हो, दोस्तों बिल्कुल आप सावधानी से लीजिए। जहाँ पे अप्रूव्ड है गवर्नमेंटल, बहुत जगह अप्रूव भी दोस्तों होता है एयरवेज के द्वारा, वहां से आप टिकट लीजिए, वो ज्यादा बेहतरी होगी। जहां तहां अब कुछ कम पैसों के चक्कर में आप हो सकता कहीं पे ले लेते होगे और आप फंस जाते होगे। दोस्तों ऐसा तो नहीं होगा कि वो अरेस्ट नहीं हो पाएगा, वो दुकान वाला अरेस्ट हो जाएगा, पर वो 2600 का दोस्तों जो पैसा था वो जाहिर सी बात है कि वो बर्बाद हो गया है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा टिकट का पैसा होता है तो सभी का पैसा बर्बाद हो गया। तो दोस्तों, यदि आप कोई भी अभी रिटर्न आने वाले हो, टिकट दोनों साइड का ले रहे हो, तो ऐसी जगह से टिकट को आप लेने की कोशिश कीजिए जहां पे दुकान वो काफी दिनों से हो और ये अप्रूव्ड हो और लोग उसे जानते हो। ऐसी जगह से टिकट बिल्कुल भी ना लीजिए ताकि कल होके आपको पछताना पड़े। अगली खबर की ओर साथियों चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही साथी है वो निरीक्षण अभियान को लेकर आ रही। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, कुवैत में भारी दोस्तों जबरदस्त तरीके से अभी वहां पे निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। तो कुवैत में कल खैतान एरिया में साथियों वहां पे निरीक्षण अभियान चलाया गया, जिसके दौरान लगभग वहां पे 800 लोगों को पकड़ा गया है अलग अलग वायलेशन करने के जुर्म में। जी हाँ साथियों, सिर्फ ये खैतान की मैं बात कर रहा हूं। तो कल के दिन लगभग 800 लोगों को पकड़ा गया, जिनमें से लगभग 76 वर्कर ऐसे थे जो कि रेसिडेंसी नियम का उल्लंघन कर रहे थे, यानी वीजा कहीं और का था, काम कहीं और कर रहे थे। और लगभग 70 से 75 लोग ऐसे पकड़े गए हैं जो फूड डिलीवरी वाले थे, यानी खाना वगैरह जो पहुंचाते हैं वो लोग थे, और कुछ ट्रैफिक डिपार्टमेंट से भी गिरफ्तारी किया गया है। तो साथियों, आप बिल्कुल बच नहीं पाओगे। यदि आप कुवैत में लीगल तरीके से रह रहे हो तो कभी ना कभी आप पकड़े ही जाओगे और फिर आपको डिपोर्टेशन का सामना करना पड़ेगा। अगली खबर की ओर साथियों चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही वो भी बहुत ही बुरी खबर है साथियों। कुवैत की म्युनिसिपैलिटी के तरफ से लगभग 132 वर्करों को, म्युनिसिपैलिटी में काम करने वाले एक प्रवासी एक्सपर्ट को नोटिस दे दिया गया है, जिसको दिसंबर में उससे रेस्टिगेट कर दिया जाएगा, यानी जॉब से निकाल दिया जाएगा। जी हाँ साथियों, बिना कोई वजह के। अब इसका रीजन दोस्तों एक ही है, क्योंकि वहां पे आप कुवैतीजाइजेशन करना है, यानी एक्सपर्ट लोगों को निकाल के आप कुवैतियों को डाला जाएगा। तो उन सभी को नोटिस दे दिया गया है, दिसंबर तक उसको निकाल दिया जाएगा। उनमें से बहुत सारी महिलाएं भी काम करती हैं, तो उन महिलाओं को भी निकाल दिया जाएगा। अब दोस्तों ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक कंट्री के 132 लोग हैं, अलग अलग देश के हैं, इंडिया के भी हैं, पाकिस्तान के भी हैं, बांग्लादेश के भी हैं, कुछ नेपाली वर्कर भी हैं। तो सभी को नोटिस दे दिया गया है सभी को निकलने के लिए। अगली खबर की ओर साथियों चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही कुवैत के अंदर, दोस्तों आपको पता होगा कि जुमा मार्केट वहां लगता है, फ्राइडे मार्केट जिसे कहा जाता है। तो फ्राइडे मार्केट में साथियों कल अचानक क्या हुआ, सरप्राइज चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग अभियान के दौरान जितने भी इंट्रेंस या फिर निकलने का रास्ता या आने का रास्ता, सभी को पुलिस के द्वारा ब्लॉक कर दिया किया था, और ब्लॉक करने के बाद सभी की चेकिंग करनी गई। तो लगभग 70 लोगों को पकड़ा गया जो कि अलग अलग वायलेशन करते हुए पाए गए। ये फ्राइडे मार्केट की घटना है दोस्तों। यदि वहां पे आसपास आप रहते होगे तो आपको जरूर पता होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा।
तो ये दोस्तों कुछ खबरें थी, कुछ अपडेट्स थी जो कि कुवैत से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोग को इसकी जानकारी हो सके। मिलते साथियों नेक्स्ट वीडियो पे, अल्लाह हाफिज़।